विश्व हिंदू परिषद जिला संभल के नेतृत्व में नगर की प्रेम वाटिका से दुर्गा वाहिनी एवं मातृशक्ति की शक्ति यात्रा का सफल आयोजन। मंच को मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ऋतु सक्सेना, मातृशक्ति संयोजिका सुमनलता जी, मुख्य वक्ता रुचि लांबा जी, कार्यक्रम अध्यक्ष दीपा जी ने सुशोभित किया। दीप प्रज्वलन उपरांत शस्त्र पूजन किया गया। तत्पश्चात इस अवसर पर दुर्गा वाहिनी की प्रमुख बहन रुचि लांबा नोएडा ने माता बहनों में उत्साह का संचार भरते हुए अपनी ओजस्वी वाणी में कहा कि भारत की नारी शक्ति न कमजोर थी और न ही आज कमजोर है। उन्हें असंगठित रहना कमजोर करता है, जिसका लाभ धर्मी उठाते हैं। नारी को सशक्त रहना है। दुनिया की कोई ऐसा देश नहीं है जिसके लिए माता शब्द का प्रयोग किया जाता हो। भारत माता का होने के कारण ही इसकी संस्कृति अमूल्य है और यहाँ इस राष्ट्र की पहचान है। कार्यक्रम के रूप में डॉक्टर ऋतु सक्सेना ने संबोधित करते हुए शक्ति यात्रा में सफल आयोजन के लिए सभी को जागृत किया। दीपा वाष्णे जी ने इस कार्यक्रम का महत्व व उद्देश्य बताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। शक्ति यात्रा का शुभारंभ महंत कर्णपुरी महाराज ने नारियल फोड़कर किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद द्वारा समाज और धर्म के प्रति उनके समर्पण के लिए कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया। शक्ति यात्रा प्रेम वाटिका से भैजोई रोड आकर यशोदा चौराहा, पीएनवी पुराना टेलीफोन एक्सचेंज से चौधरी चरण सिंह पार्क, बरेली सराय होकर पुनः वाटिका पर संपन्न हुई। शक्ति यात्रा का भिन्न भिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर में निकाली गई शक्ति यात्रा में घोड़ों पर नारी शक्ति स्वरूपा एवं बुलेट पर सवार पहलवान नारी युवा शक्ति को समाज द्वारा खूब प्रशंसा मिली। यात्रा में दुर्गा वाहिनी की युवा शक्ति द्वारा जगह जगह पर अपना शौर्य प्रदर्शन किया गया। शक्ति यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की बहने हाथों में झंडे, गले में भगवा पटके डाले दुर्गा स्वरूप में शक्ति यात्रा में शामिल रही। कार्यक्रम का संचालन आशा गुप्ता एवं शालिनी रस्तोगी ने किया। संपूर्ण कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। संभल से उमेश गुप्ता, जी न्यूज इंडिया, जिला संवाददाता संभल।